हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रीनास फूड प्लैनेट। आज मैं एग करी बनाने जा रही हूँ। एग करी के साथ मैं आज ऐड करूँगी ये ड्राइड श्रिम्प्स, जो कि मार्केट में आराम से मिलते हैं। इन सब एग करी के को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होंगे ढेर सारे ऑनियंस, 8 एग्स, ये तकरीबन 50 ग्राम्स श्रिम्प्स होंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, एग करी मसाला और धनिया पत्ता। तो चलो अब हम शुरू करें। उसके बाद उसमें डालें ऑयल, ये ऑयल मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं क्योंकि इसमें पहले एग फ्राई करेंगे। एग फ्राई करने के लिए इसमें डाले हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, और उसके बाद इसमें डाल दें एग्स। ऑयल में मैंने हल्दी, नमक और मिर्च का पाउडर इसलिए डाला क्योंकि अंडे को फ्राई करते वक्त उसका जो कलर आएगा वो बहुत अच्छी तरह से आता है। ये हो गए हमारे अंडे फ्राई, इसको एक बाउल में निकाल लें। अब अंडे को फ्राई करने के बाद उसी ऑयल में डालें ये ऑनियंस, ऑनियन को तब तक फ्राई करें जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे ड्राइड श्रिम्प्स। ये हमारे ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो गए, अब इसमें डाल दें ड्राइड श्रिम्प्स। श्रिम्प्स को भी मैंने अच्छी तरह से धो के उसे 15 मिनट के पहले भिगो के रखा था। इसको डालने से ज़्यादा कुछ नहीं, अंडे का जो सब्जी है उसका और थोड़ा अच्छी तरह से फ्लेवर आता है। इसको अच्छी तरह से फ्राई करें जब तक इसका कच्चा स्मेल ना चला जाए श्रिम्प्स का। इसको डालने से अंडे का जो सब्जी है उसमें टेस्ट भी आता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। अगर आप चाहे तो लास्ट में जब अंडे का सब्जी हो जाएगा तब ये ड्राइड श्रिम्प्स को ग्राइंड करके भी उसका पाउडर डाल सकते हैं, वो डालने से भी उसका अच्छा फ्लेवर आता है। श्रिम्प्स का स्मेल जब तक ना चला जाए तब तक अच्छी तरह से इसे फ्राई करते रहे। इसमें हमारे श्रिम्प्स अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, ये देखिए, और जब ये फ्राई हो जाए अच्छी तरह से उसका कच्चा फ्लेवर चला जाए, कच्चा स्मेल चला जाए, तब इसमें डालें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई करें, ज़्यादा भी मत कीजिएगा नहीं तो ये कड़वा टेस्ट आएगा उसका। जब तक उसका कच्चा स्मेल ना चला जाए तब तक उसे फ्राई करें। अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। हल्दी
और इसके बाद इसमें डाले लाल मिर्च पाउडर और इन सबको अच्छी तरह से पकने के लिए डाल दें थोड़ा सा पानी, थोड़ा ही डालिएगा कि मसाले सब अच्छी तरह से जैसे कि भुन जाए, अच्छी तरह से उसका कच्चा स्मेल चला जाए। बस ग्रेवी अच्छी तरह से फ्राई हुआ कि नहीं, हाँ हो गया है। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे हमारे एग्स जो कि मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। अब इसमें डाल दें एग करी मसाला, ये मैंने एवरेस्ट कर लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये सब्जी बन जाए तो लास्ट में इसमें हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे धनिया पत्ता। बस ये लीजिए हमारा एग करी तैयार विथ ड्राइड श्रिम्प्स। एग करी विथ ड्राइड श्रिम्प्स करी रेडी है। आप सबको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।